जिस वक्त भारत में किलर वायरस अपने पैर पसार रहा था, उसके बढ़ते संक्रमण पर फुल स्टॉप लगाने के लिए मोदी सरकार जनता कर्फ्यू से लेकर भारत लॉकडाउन लगा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा था, तब धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में दिल्ली के मरकज में कोरोना बम तैयार किए जा रहे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना पॉजिटिव मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। तबलीगी जमात में शामिल लोगों से कोरोना का खतरा बना हुआ है। ऐसे लोगों से अपील की जा रही है कि सामने आए, ताकि वक्त रहते न सिर्फ इलाज मुहैया करा पाएंगे बल्कि दूसरों की जान को खतरा भी नहीं होगा। अब भी ऐसे कई कोरोना संक्रमित मरीज हैं जिनका तबलीगी जमात से कनेक्शन है और छिपे बैठे हैं। ऐसे लोगों से मुजफ्फरनगर के SSP अभिषेक यादव ने बतौर अपील कर सामने आने को कहा और इसके साथ ही साथ बीते रात शाम 8 बजे का अल्टीमेटम भी दिया। चेतावनी भरा उनका ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन किया गया है। इसी के क्रम में मुजफ्फरनगर पुलिस भी लगातार आप सभी लोगों से अपील कर रही है कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो जनपद के बाहर से आया है, या आप स्वयं वो व्यक्ति हैं, तो आप पुलिस और प्रशासनिक टीम को उसके संबंध में ज़रूर अवगत कराएं, ताकि आपका मेडिकल चेकअप ज़रूर कराया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। लगातार इस तरह की अपील हमारे द्वारा की जा रही है, परंतु ये देखने में आया है कि फिर भी कुछ लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को छुपा रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत गंभीर और तब हो जाती है जब वो ऐसी किसी जगह से आया हो जो कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित है, यानी जहाँ पे कई केसेस पिछले कुछ दिनों में कोरोना के पाए गए हैं, पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। इसी के क्रम में एक जो बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है वो है मरकज निज़ामुद्दीन का। क्योंकि कई बार इस प्रकार की अपील ऑलरेडी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा की जा चुकी है एवं यह पूरे जनपद की सुरक्षा से संबंधित मामला है, इसलिए इसमें अंतिम समय देते हुए आज रात्रि 8 बजे तक मुजफ्फरनगर जनपद के समस्त जनपदवासियों को यह अवगत और सूचित किया जाता है कि यदि उनके आसपास या वो स्वयं किसी भी कोरोना हॉटस्पॉट से आए हैं या वो मरकज निज़ामुद्दीन से वापस आए हैं, तो वो तत्काल इसके संबंध में अपने निकटवर्ती मेडिकल सेंटर पे, PHC पे, CHC पे, थाने पे या किसी भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को अवगत करा देंगे। अगर यह देखने में आता है कि 8 बजे के बाद ऐसा कोई व्यक्ति सामने आता है जो मरकज निज़ामुद्दीन गया है या अन्य किसी कोरोना हॉटस्पॉट की जगह पर गया है, उसके बाद यहाँ आया है और उसने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया है, बताया नहीं है, अनाउंस नहीं किया है कि वो वहाँ जाके आया है, तो उसके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा मुकदमा कायम किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि यह जानते हुए कि वो कोरोना हॉटस्पॉट है, वहाँ से वो वापस आया है, उसके बाद भी लगातार मूवमेंट में रहा, इधर से उधर जाता रहा, लोगों से मिलता रहा, तो यह मानते हुए कि जानबूझकर संक्रमण को फैलाने के उद्देश्य से यह किया गया है, उसके विरुद्ध भविष्य में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट व रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी। UP में अब तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा 300 के पार चला गया है, जिसमें दिल्ली के तबलीगी जमात से जुड़े कई मामले सामने आए। हालांकि अब तक मुजफ्फरनगर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया। ऐसे में चेतावनी के बाद अगर कोई तबलीगी से जुड़ा कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आता है, तो अब उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर से नागरदत्त शर्मा की रिपोर्ट।